सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिक्वायर्ड फॉर यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसेल की बेनिफिट के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एनसेल सर्टिफिकेट कैसे बनता है और मैंने वैसे वीडियो बना रखा है जिसे देखकर काफ़ी लोगों ने अपना एनसेल सर्टिफिकेट बना लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऑल डाउट्स क्लियर कर दिए हैं जो एनसेल के बारे में है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। एंड स्क्रीन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि एनसेल सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हो तो आपको कौन कौन सी बेनिफिट मिल सकता है, कौन से सेक्टर में कहाँ पर आप को एनसेल सर्टिफिकेट की यूज होता है, कहां आपको एनसेल सर्टिफिकेट लगता है, सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस करो, तो इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और आज हम जान लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एनसेल सर्टिफिकेट, इसकी बेनिफिट क्या है। पहले सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एनसेल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जो आपको तब दिया जाता है जब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। वेल, एलिजिबल कैसे होते हैं उसके लिए तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, फिर भी आपको मैं यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अगर आपका इनकम 8 लाख, आपकी फैमिली की इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी जितने भी मेंबर्स वगैरह सब अगर जॉब करते हैं तो उन सारे के फैमिली मेंबर्स की इनकम जो होती है वो अगर 8 लाख से कम होता है, ठीक है, तब आप ओबीसी एनसीएल में आते हो। अगर ज़्यादा होता है तो आप क्रीमी लेयर में ही आते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कि आप ओबीसी में आते हो एनसीएल में या नहीं आते हो, तो आप चेक कर लेना। और उसके अलावा भी आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप ये जान ले कि ओबीसी में आप आते हो या नहीं, उसके लिए भी मैंने कास्ट सर्टिफिकेट का वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ भी मैंने काफ़ी अच्छे से सब कुछ डिटेल्स में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम बात कर लेते हैं कि अब अगर आपको बनवाना है एनसीएल सर्टिफिकेट तो आप वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को अच्छा लगा है और उन्होंने बना भी रखा है अपना एनसीएल सर्टिफिकेट उस वीडियो को देखकर। अगर आपको कोई डाउट भी मिलता है तो आप वीडियो चेक कर लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये हमें किस कंडीशन में दिया जाता है। इसे हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कंडीशन दी है उसे हमें यहाँ पर फुलफिल करना होता है। जैसे कि जो बेसिक कंडीशन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी मेन इनकम जो है वो 8 लाख से कम होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अगर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको साथ में यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ता है। साथ ही साथ आपकी जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह है वो सारे कुछ आपको अटैच करना होता है, ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तभी आप उसे सबमिट करें और उसके बाद ही उसे अप्रूवल मिलता है और वो जो सर्टिफिकेट है वो बन पाता है। वेल, इसके लिए कंप्लीट वीडियो है, आप देख लेना नीचे। यहाँ पर हम खैर बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होती है इस सर्टिफिकेट बनाने के बाद, ठीक है। तो देखिए, एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि नॉन क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट की एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तब दिया जाता है अगर आप सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आते हो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे जाने कि आप ओबीसी एनसीएल हो या नहीं हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से, आप उसे जान सकते हो कि आप सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। हाँ, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आपको चाहिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आपको आना पड़ेगा, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होना पड़ेगा, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड जॉब में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हो तो अपने स्टेट से बाहर अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो या करना चाहते हो तब आपको एनसीएल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूं मैं यहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे, एसएससी और भी कई अन्य जॉब जिसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज होती है, उस जगह में आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और ये सर्टिफिकेट आपके सारे एग्जाम जो होता है वो सारे कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के समय में आपका काम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको क्लियर में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एक जॉब निकला हुआ जिसमें एक पोस्ट है, वहां पर अप्लाई किए हुए 2 बंदे जिसमें एक क्रीमी लेयर है और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों का एग्जाम मार्क्स जो स्कोर वगैरह है सब कुछ सेम है और जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होती है वो सारे कुछ यहाँ पर सिमिलर है, सेम है। तो ऐसे में अगर दोनों का सेम है तो ये जो पोस्ट का प्रेफरेंस है वो किसे दिया जाएगा? ऑब्वियसली बात है, जो अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है इस कंडीशन में आप बाजी मार सकते हो, यहाँ पर आपको ही वो जॉब दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर है उसे यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर आप सिमिलर जो नंबर वगैरह सब कुछ सेम आता है तो इस सिचुएशन में आप अगर एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा देते हो, अगर आप ओबीसी से आते हो तो यहाँ पर आपको वो जॉब दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको इस टाइप से यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पर उठा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं आता है बनाने के लिए तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख, अगर एनसीएल सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट में अगर आपको कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो, यहाँ मैंने कंप्लीट जानकारी दे रखा है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना अपकमिंग वीडियोस के लिए।